कि बच्चों के मामले में एक बात हमेशा हमें याद रखनी पड़ेगी कि छोटे बच्चे जो इन्फेक्ट हो रहे हैं वो हमारी खुद की बड़ों की गलती से हो रहे हैं। बच्चे तो बाहर से इन्फेक्शन नहीं लेके आ रहे हैं। और जो रिस्क होता है बच्चों के लिए, जो जो सीवियरिटी वाला जो रिस्क होता है एज ग्रुप है, वो लेस देन 1 ईयर वाला है। तो आप सोचिए, 1 साल के अगर छोटे बच्चे जो इन्फेक्ट होकर आ रहे हैं, जो हमारे पास अभी ICU में एडमिट भी हो रहे हैं बच्चे, और जो सीवियर डिजीज़ की तरफ भी जा रहे हैं, वो सब इन्फेक्ट हो रहे हैं हमारी वजह से। तो हम बड़ों को प्रिकॉशन लेने की सख्त ज़रूरत है कि जब भी हम बाहर से आएँ तो हम एक तो अपने कपड़े बदलें, नहाएं धोएं, तभी बच्चों को हाथ लगाएं, है ना। कोशिश यही करनी है कि जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा है इस समय में, कोशिश तो पहले यही करनी है कि ना ही निकलें बेकार में। अगर बहुत इसेंशियल सर्विसेज से आप जुड़े हैं तो छोटे बच्चों से दूर रहने की कोशिश करिए। देखिए, बच्चे जो हैं हमारे पास वेरिड प्रेजेंटेशन के साथ आ रहे हैं। बच्चों में जैसे बड़ों में है यूजुअली बुखार खांसी के साथ ही ज़्यादा लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चों में लूज स्टूल्स मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स के साथ भी बच्चे आ रहे हैं। हमारे पास सिर्फ बच्चे ऐसे भी आए हैं जिनको सिर्फ क्या है, डायरिया की शिकायत है ना, और बुखार आ रहा है साथ में। जब हमने टेस्ट कराया तो दे टर्न्ड आउट टू बी पॉजिटिव, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव थी। तो बच्चों में सिम्टम्स बहुत वेरिड हैं। कुछ बच्चे सिर्फ इसी के साथ आ रहे हैं, रैश आ रहा है, कंजक्टिवाइटिस आ रहा है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं सिर्फ फीवर ही आ रहा है खाली, कुछ बच्चे सिर्फ लूज स्टूल्स के साथ आ रहे हैं। तो बहुत ही वेरिड प्रेजेंटेशन है इस बार सेकेंड जो वेव है उस पर। तो ध्यान ये रखना है कि बच्चों में जहाँ पे भी लक्षण लगें, सबसे पहली चीज़ पेंडेमिक चल रहा है ये ज़रूर रूल आउट कर लें, क्योंकि लोग क्या है अभी भी यही सोच के चलते हैं, क्योंकि क्रॉस रिएक्टिविटी टाइफॉइड के साथ भी आ रही है, जो विडाल के टाइटर पॉजिटिव आ जाते हैं लोगों के, तो उससे भ्रमित ना होएं। सबसे पहले पेंडेमिक चल रहा है, इस पेंडेमिक को रूल आउट करें, फिर दूसरी डिजीज़ के बारे में सोच। लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर वालों को, बच्चों को सबसे ज़्यादा इस पेंडेमिक में खतरा है। 1 to 12 ईयर वाले बच्चों के लिए हम कहते हैं कि उनको अगर होता भी है तो वही हमारे पास जो ज़्यादातर आ रहे हैं वो मेनली मतलब माइल्ड वाले या एसिम्टोमेटिक कोर्स वाले आ रहे हैं बच्चे। बट लेस देन 1 ईयर वाले बच्चों को ज़्यादा खतरा है, क्योंकि एक तो उनकी इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता, उनकी इनेट इम्यूनिटी जो हम कहते हैं ना रोगों से लड़ने की, हमारी जो इनहेरेंट कैपेसिटी होती है, जो कि जब हम फ्रीक्वेंट वायरल इन्फेक्शन से एक्सपोज होते हैं तो हम बनाते हैं, वो बच्चों की डेवलप नहीं होती। फिर एक चीज़ ये भी होती है कि हम लोगों को जो छोटे बच्चे होते हैं उनका प्राइमरी इम्यूनाइजेशन भी कम्प्लीट नहीं होता, तो उस वजह से क्या होता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता उन बच्चों की कम होती है। तो 1 साल से कम वाले बच्चों को हमें खास और विशेष ध्यान देना है।